जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी IAS Academy. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी. नाउ स्टार्ट द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड. सी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिफर्स टू दैट टेक्नोलॉजी बाय विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड. अब यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में फूड ग्रेन्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं और फ्लावर्स भी आ जाते हैं. साथ ही साथ द कंजप्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज्ड, राइट. जस्ट जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका कंजप्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनका वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो इसी में इंक्लूड होती है. साथ ही साथ जो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कैसे ऑप्टिमम यूज हो सके, राइट, उससे रिलेटेड टेक्निक को ही क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिफर्स टू दैट टेक्निक बाय विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, द कंजप्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड एंड द ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज इंश्योर्ड इन ह्यूमन लाइफ. अब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये डिपेंड करते हैं क्वालिटी ऑफ सॉइल पर, सीड पर, फर्टिलाइजर्स पर, इरिगेशन पर और साथ ही साथ मार्केट सिस्टम पर. क्योंकि फार्मर्स जो है, फार्मर्स शुरू से लेकर आखिरी तक इन सब का ही यूज़ करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है. सो देयरफॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन लैंड, सीड, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड मार्केट सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कॉम्प्रीहेंसिवली देन डेफिनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड लैंड, सीड, राइट. क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में लैंड की क्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सीड कौन से होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड या बीडीसाइड का यूज़ कब किया जाना चाहिए और कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, राइट. इरीगेशन मेथड कौन सी होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स हैं, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन हो जाएगा, इन सब का मेजर रोल होता है. Therefore, to understand agricultural product technology, we will study these components one by one. The first is land. अब सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है, land क्या होता है, अगर हम generally कहें, so the outermost layer of the crust of the earth which helps vegetation to grow is known as land, right. So the outermost, right, the outermost layer of the crust which helps the vegetation to grow is known as land, right. और जो land है ये साथ ही साथ जो farmers के लिए भी जो है एक तरीके से social status के लिए और credit के लिए भी क्या होता है, responsible होता है. क्यों, क्योंकि देखिए आज भी rural areas में लोन लेने के लिए क्रेडिट के रूप में जो लैंड राइट्स हैं उनका ही यूज़ किया जाता है. साथ ही साथ इफ़ फार्मर हैज़ लैंड राइट और फार्मर हैज़ लैंड होल्डिंग्स तो उसका सोशल स्टेटस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि लैंड इज यूजफुल, या हम कह सकते हैं कि फर्टाइल लैंड इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू ग्रो द वेजिटेशन एज वेल एज जो फर्टाइल लैंड होती है वो फार्मर के लिए, राइट, या जो फर्टाइल लैंड्स के जो राइट होते हैं वो फार्मर के सोशल स्टेटस के लिए और क्रेडिट के लिए भी क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं. साथ ही साथ एग्रीकल्चर इज लैंड बेस्ड एक्टिविटी, देयरफॉर लैंड की क्वालिटी और लैंड का साइज का जो डायरेक्ट रिलेशन रहता है वो किससे रहता है, प्रोडक्टिविटी रहता है. अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी होगी, अब यहां पर क्वालिटी से क्या मतलब हुआ, राइट, इफ ऑल द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फॉर एन एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो इफ ऑल द मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन द सॉइल देन उसको क्या कहा जाएगा, फर्टाइल लैंड कहा जाएगा. अर्थात अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी होगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. साथ ही साथ यदि लैंड का साइज ज्यादा होगा तो उसे लैंड मैकेनाइजेशन ये जो है पॉसिबल हो पाएगा और उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. क्लियर. अब लैंड से संबंधित कौन कौन की प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, तो लैंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको समझते हैं. तो लैंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट,
जैसे पहली प्रॉब्लम तो यही हो जाएगी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यदि सॉइल में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए ही हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। और जो सेकेंड प्रॉब्लम हो जाएगी दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। हाउ, अंडरस्टैंड? देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उससे लैंड का क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दिस इज द ओनर ऑफ द लैंड। अब इसके दो क्या हैं, हेयर्स हैं, राइट, दो संतानें हैं, तो उनमें लैंड का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर इनके कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि देयर आर थ्री चिल्ड्रंस और टू चिल्ड्रंस, तो इससे क्या होगा, लैंड का डिवीज़न होगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा उससे लैंड का डिवीज़न होगा, और लैंड डिवीज़न होगा तो उससे जो एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स है उनमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्या होगा, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स। और अगर एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स में फ्रेगमेंटेशन होगा तो वह है एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं रहेगी। कैसे, समझिए, अगर किसी व्यक्ति के पास में, इफ अ पर्सन कैरीज ओनली 1 हेक्टेयर लैंड, राइट, इज ही एबल टू परचेस हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसे हम मान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास में यहाँ पर जो है 50 एकड़ या हम जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 हेक्टेयर का क्या है, लैंड होल्डिंग्स है, तो वो वहाँ पर जो है कोल्ड स्टोरेज भी बना सकता है, गोडाउन भी बना सकता है, राइट, ही कैन परचेस ट्रैक्टर, ही कैन परचेस हार्वेस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितनी बड़ी लैंड होल्डिंग्स होगी उतना ही एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो पाएगा, और एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो पाएगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसके रिवर्स, अगर एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स फ्रेगमेंट होंगी तो वह नॉट सूटेबल होगी किसके लिए, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन से लिए। और अगर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन अर्थात अगर एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज़ कम होगा तो उससे प्रोडक्शन कैसा होगा, लो होगा, और लो प्रोडक्शन होगा तो फार्मर की इनकम भी क्या होगी, लो होगी, राइट। तो इस तरीके से ये जो है लैंड से रिलेटेड क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नाउ हाउ कैन दीज प्रॉब्लम्स बी ओवरकम, राइट। तो उसके लिए पहला सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि ऑल द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ इंडिया शुड बी इंक्रेज्ड टू कलेक्ट द लैंड, राइट। और यह कैसे संभव है, राइट, थ्रू कोऑपरेटिंग फार्मिंग, राइट। कोऑपरेटिंग फार्मिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, राइट, कि दीज लैंड होल्डिंग्स बिलोंग टू 5 फार्मर्स, ए, बी, सी एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो इंडिविजुअली ये जो फार्मर्स हैं दे डो नॉट हैव इनफ क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ उनके पास में मैन पावर भी नहीं है, मशीनरी भी नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं है, देयर फोर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। परंतु इफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर इंक्रीज टू कलेक्ट द लैंड थ्रू कोऑपरेटिंग फार्मिंग। अब कोऑपरेटिंग फार्मिंग क्या होती है, यदि सबसे कहा जाए कि यू कैन पूल योर ऑल द रिसोर्सेस, मतलब हो सकता है किसी फार्मर के पास में मैन पावर हो, तो किसी के पास में एजुकेशन हो, तो किसी के पास में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हो, और अगर वो अपने रिसोर्सेज को पूल करें और फिर अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। सो थ्रू कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। और सेकेंड क्या हो जाएगा कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं दे आर इंक्रीज टू सेल देयर लैंड एंड गेट एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। अगर वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जॉब प्राप्त करेंगे तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को भी जी सकते हैं, साथ ही साथ वो एग्रीकल्चरल लैंड अगर सेल करेंगे तो नियर बाई फार्मर उसको खरीदेगा तो उससे लैंड होल्डिंग क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। हालांकि ये फार्मर के जो है फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दीज आर टू वेज, और इसमें से जो बेस्ट वे है वो कौन सा हो जाएगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग। दूसरा क्या हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगे। तो इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट हैड, राइट, गवर्नमेंट हैड लैंड रिफॉर्म्स, जैसे एवोल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, जमींदारी सिस्टम हो जाएगा। तो जमींदारी सिस्टम के एवोल्यूशन से ही जो है जो फार्मर्स आर जो है फ्री टू प्रोड्यूस, राइट, और उनको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को एवोल्यूश कर दिया है, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है
एग्रीकल्चर पर टैक्स भी कम कलेक्ट करती है, और तीसरा क्या हो जाएगा, लैंड सीलिंग हो जाएगा, राइट। तो जिन फार्मर्स के पास में मोर देन एक पर्टिकुलर लेवल से जो लैंड थी वो ली गई और उसको लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इस तरीके से जो है, या थ्रू दीज सॉल्यूशंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीड हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अ फार्मर हैज अ फर्टाइल लैंड, राइट, और उसके बावजूद अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है सो डेफिनेटली वी वुड हैव टू यूज हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। सो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि एग्रीकल्चरल लैंड के नॉट बी एक्सपेंडेड। एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो लिमिटेड होता है, एंड एग्रीकल्चरल लैंड के नॉट बी एक्सटेंडेड, देयरफॉर टू इंक्रीज प्रोडक्शन द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मस्ट बी यूज्ड। क्लियर। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहले चीज तो ये, जो नॉन हाइब्रिड सीड होते हैं या जो कन्वेंशनल सीड होते हैं, इफ फार्मर इज यूजिंग नॉन हाइब्रिड सीड्स और कन्वेंशनल सीड्स, सो जो नॉन हाइब्रिड सीड्स हैं वो एवरी 3 ईयर में क्या होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम फूड ग्रेन को टाइम टू टाइम सीड के रूप में जो है यूज करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी लूज होती जाती है, राइट। सो नॉन हाइब्रिड सीड्स शुड बी रिप्लेस्ड इन एवरी 3 ईयर्स, और वहीं जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनको एवरी ईयर क्या किया जाना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। थर्ड ये है कि इन द प्लेस ऑफ कन्वेंशनल सीड्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और इम्प्रूव्ड सीड्स शुड बी यूज्ड सो दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। साथ ही साथ सीड रिप्लेसमेंट रेट शुड बी इंक्रीज्ड। क्यों, क्योंकि अगर फार्मर्स जो हैं एवरी ईयर या 2 ईयर में या 3 ईयर में अगर सीड्स को रिप्लेस नहीं करेंगे तो उससे हर ईयर जो है या नेक्स्ट ईयर जो है प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। अब अगर हम देखें तो इंडिया में जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो लो है। उसका कारण क्या है कि जो न्यू सीड्स आर नॉट इकोनॉमिकल। मतलब इंडिया में जो 80% फार्मर्स हैं, द 80% फार्मर्स ऑफ इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड दे डोंट हैव इनफ क्रेडिट और इनफ मनी टू परचेज न्यू हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। चूंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं इसीलिए उनके पास में इतना फंड ही नहीं होता है कि वो हाई यील्ड वैरायटी सीड को क्या कर सकें, परचेज कर सकें। और दूसरी चीज, चूंकि इनको कोई परचेज नहीं करता है इसीलिए ये नियर बाई विलेजेस में या सीड सेंटर में अवेलेबल भी नहीं होते हैं। क्लियर। तो ये तो हमने यहाँ पर जो है तरीके देखे कि जो हाइब्रिड सीड्स को एवरी 3 ईयर में रिप्लेस करना चाहिए, सॉरी नॉन हाइब्रिड सीड्स को एवरी 3 ईयर में रिप्लेस करना चाहिए, राइट, हाइब्रिड सीड को एवरी ईयर रिप्लेस करना चाहिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज़ करना चाहिए, और सीड रिप्लेसमेंट रेट को इंक्रीज करना चाहिए। अब हम यहाँ पर जो है सीड से रिलेटेड भी पढ़ते हैं, और यहाँ से भी कई जो है MCQs पूछे जा सकते हैं, राइट, कि हाइब्रिड सीड किसे कहा जाता है, राइट, या दोज सीड विच आर, राइट, या फार्मर्स हैड टू परचेस सीड्स एवरी ईयर और उन सीड्स को क्या कहा जाता है, तो टर्मिनेटर सीड हो जाएगा। तो इनकी डेफिनेशन और इनका इम्पोर्टेंस को जो है हमको समझते चलना है, राइट। तो यहाँ पर हम सीड के टाइप को पढ़ते हैं, राइट। तो सीड जो है उनको प्योरिटी के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो प्योरिटी के आधार पर देयर आर 4 टाइप ऑफ सीड्स। फर्स्ट हो जाएगा ब्रीडर सीड, देन फाउंडेशन सीड, देन सर्टिफाइड सीड, देन रजिस्टर्ड सीड, और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी होते हैं हाइब्रिड सीड, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और टर्मिनेटर सीड्स। आपको यहाँ पर ये याद रखना है MCQ के लिए कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट। तो इसके लिए हम जो है वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ब्रीडर सीड्स हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ सर्टिफाइड ब्रीडर, राइट। जैसे हो सकते हैं कोई प्रोफेसर हैं या कोई साइंटिस्ट हैं या कोई भी ब्रीडर है, तो अगर किसी ब्रीडर के सुपरविजन में इनको प्रोड्यूस किया जाता है, तो यदि किसी ब्रीडर के सुपरविजन में जो सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, ब्रीडर सीड्स कहा जाता है। और ये जेनेटिकली कैसे होते हैं, 100% प्योर होते हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनके जीन्स में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। सेकेंड क्या हो जाएगा, फाउंडेशन सीड्स हो जाएंगे। सो फाउंडेशन सीड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग ब्रीडर सीड्स।
बट इनको किसी नेशनली सर्टिफाइड बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे नेशनल क्या हो जाएगा, सीड कॉरपोरेशन हो जाएगा, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो जाएगा, या स्टेट फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉरपोरेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं अनाउंस कर दूं कि मैं जो है मैंने एक नए सीड को क्या किया, डेवलप किया, तो नोबडी विल जो है मुझ पर बिलीव नहीं करेगा और इसलिए परचेस नहीं करेगा। बट अगर कोई नेशनल बॉडी राइट या सर्टिफाइड बॉडी, अगर कोई सर्टिफाइड बॉडी पहले रिसर्च करती है और रिसर्च के बाद में अगर ब्रीडर सीड के माध्यम से किसी सीड को डेवलप करती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, फाउंडेशन सीड कहा जाता है। तो फाउंडेशन सीड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग ब्रीडर सीड्स और इनको किसी सर्टिफाइड बॉडी जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और स्टेट फार्म कॉरपोरेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड सीड हो जाएगा। अब देखिए जो ब्रीड जो फाउंडेशन सीड होते हैं वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये जो सर्टिफाइड बॉडी होती है ये कुछ ही अमाउंट में उन सीड को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। उनकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके इसके लिए रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड्स क्या होते हैं, किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाउंडेशन सीड होते हैं राइट, उनको ही प्रोड्यूस किया जाता है और किसी रजिस्टर्ड जो है या किसी सर्टिफाइड बॉडी के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फार्मा कंपनी है और वह फार्मा कंपनी नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किए गए किसी सीड को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, तो उसको ही क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड सीड। सो जो रजिस्टर्ड सीड्स हैं ये भी फाउंडेशन सीड से ही क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, बट इनको डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ कोई सर्टिफाइड बॉडी या किसी सर्टिफाइड कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, सर्टिफाइड सीड्स हो जाएगा। तो इनको भी फाउंडेशन सीड से क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है राइट। तो इनको भी जो है फाउंडेशन सीड से क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, हाइब्रिड सीड हो जाएगा। तो ये जो है हाइब्रिड सीड हैं या जीएम क्रॉप्स हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं अब उनको हम समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने मान लिया कि क्रॉप फर्स्ट हो जाएगा और क्रॉप क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब क्रॉप फर्स्ट की स्पेशलिटी है कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, बट इसके लिए इरीगेशन जो है 4 times चाहिए। क्रॉप सेकेंड की स्पेशलिटी ये है कि ये इसको प्रोडक्टिविटी कम है बट इसको एक ही बार इरीगेट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम दोनों के गुणों को अगर क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा अगर कैपेबल कर पाते हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जो सीड्स डेवलप किए जाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, हाइब्रिड सीड्स कहा जाता है राइट। तो यदि दोनों जो क्रॉप्स हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जो सीड्स तैयार किए जाते हैं उनको ही हाइब्रिड सीड्स कहते हैं। सो हाइब्रिड सीड्स आर डेवलप्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द प्लांट्स और क्रॉप्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहा जाता है। अब इनको बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या हो जाएगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं दीज सीड्स आर डेवलप्ड इन लेबोरेटरीज ओनली। तो इनको कहाँ पर तैयार किया जाता है, लेबोरेटरीज में तैयार किया जाता है। किसके माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इनकी जीन में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा, अभी फिर हम ले लेते हैं, जैसे क्रॉप फर्स्ट हो जाएगी, क्रॉप क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। क्रॉप फर्स्ट की स्पेशलिटी क्या है कि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है परंतु इसको इरीगेट करना पड़ता है 4 times और इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है परंतु इसको इरीगेशन करना पड़ता है केवल 1 time। तो अगर हम इस क्रॉप का जो स्पेशल जीन है वो इसमें क्या कर दें, हम डाल दें, और इसका जो इरिगेशन वाला जो जीन है इसको हम निकाल दें राइट, तो उसको ही क्या कहा जाता है, जीएम क्रॉप कहा जाता है राइट। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है और इसमें जीन एडिटिंग के माध्यम से किसी स्पेसिफिक जीन को हटाया जाता है और किसी न्यू जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है राइट। अब चलिए, अब एक चीज़ आप कहेंगे कि सर ये तो आपने अभी क्रॉस ब्रीडिंग में बताया था, तो क्रॉस ब्रीडिंग जो है, क्रॉस ब्रीडिंग में जीन एडिटिंग नहीं होती। दरअसल इसमें क्या होती है,
क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा जो सीड तैयार होते हैं उनको हाइब्रिड सीड कहते हैं, परंतु जब लेबोरेटरी में किसी एक क्रॉप के जीन को एडिट किया जाता है या डिलीट करके किसी न्यू जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जीएम क्रॉप्स या जीएम सीड्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय चेंजिंग देयर जीन्स राइट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसके लिए स्पेशल केमिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इनमें क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि इनका जीन एडिटिंग क्यों किया जाता है। तो देखिए, जब इनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग से इनके जीन को एडिट किया जाता है तो जब जीएम क्रॉप्स तैयार होती हैं तो वह जो क्रॉप डैमेज होते हैं उनसे बचाने के लिए इनको किया जाता है। अब क्रॉप डैमेज कैसे होते हैं, राइट। तो देखिए, जो नॉर्मली क्रॉप्स होती हैं या तो पेस्ट उन पर अटैक कर देते हैं, राइट, इसकी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं, या फिर एनवायरनमेंट की हार्ड कंडीशंस को जो है कोप नहीं कर पाती हैं, या फिर वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से न्यू जीन्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि ताकि वो पेस्ट को और डिसीजेस को क्या कर सकें, दूर कर सकें, या पेस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट ना कर सकें और डिसीजेस उनको ना हो। साथ ही साथ ये है कि उनको प्रोड्यूस करने में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज ना करना पड़े, साथ ही साथ उनकी जो हार्श कंडीशंस है उसमें जो है जीवित रहने की एबिलिटी भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जीएम क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की डिसीजेस नहीं होती हैं, साथ ही साथ जिनको प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, साथ ही साथ ये हार्श से हार्श कंडीशन में भी इनकी प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, इंक्रीज होती है, और इवन ये अनप्रोडक्टिव या जो अनफर्टाइल लैंड होती है उसमें भी ये प्रोड्यूस प्रोडक्शन अच्छा खासा देती है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, जीएम क्रॉप्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक वरदान है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, दिक्कत ये है कि जो जीएम सीड्स होते हैं, राइट, जीएम सीड्स हमारे इन्वायरमेंटल के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जीएम क्रॉप्स, राइट, यदि जीएम सीड का अगर जैसे हम कहें बीटी वैगन हो जाएगा, तो यदि जीएम जो क्रॉप्स हैं या जीएम क्या हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएंगी, उनको अगर कंज्यूम किया जाता है तो उनसे कैंसर जैसी डिसीजेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, इससे सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता है। तीसरी चीज़, जो बायोडाइवर्सिटी रहती है उसके लिए क्या होता है, खतरा होता है, राइट। तो इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको कई गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर सीड हो जाएगा। तो जो टर्मिनेटर सीड होते हैं वो जीएम क्रॉप्स का ही क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप होते हैं, या ये लेबोरेटरी में तैयार किए गए क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो अगर हम कहें कि इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होती है, तो टर्मिनेटर सीड्स आर दोज सीड्स विच ब्लॉक द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन एम्ब्रायो, राइट, विद द हेल्प ऑफ, कुल मिलाकर ये थोड़ा सेंटेंस यहां पर है, तो द सीड्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, और जो अपने एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को क्या करते हैं, जो है ब्लॉक करते हैं। सो द सीड्स विच ब्लॉक द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन एम्ब्रायो, उनको ये क्या कहा जाता है, टर्मिनेटर सीड कहा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए जो बड़ी बड़ी जो सीड कंपनियां होती हैं वो करोड़ों क्या करती हैं, स्पेंड करती हैं और एक नए सीड को बनाती हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी फार्मर ने इसको परचेज कर लिया है और उस फार्मर ने इसका यूज़ करके ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर लिया और वही अगर मार्केट में बेचने लगेगा तो सीड कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए सीड कंपनियाँ ये चाहती हैं कि फार्मर उनसे सीड तो खरीदें और वो भी हर साल, इसीलिए उसमें ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वह जो बीज होते हैं, टर्मिनेटेड सीड होते हैं, राइट, दीज ब्लॉक द डेवलपमेंट ऑफ देयर ऑन एम्ब्रायो, मतलब अगर आप इनको एक बार यूज़ करेंगे तो वो अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी रखते हैं, अगर सेकेंड टाइम आप उनको सीड के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी वजह से टर्मिनेटर बी सीड्स जो हैं हैव टू बी परचेस्ड एवरी ईयर, इनको हर साल क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है और इनको यूज़ केवल और केवल एक बार ही किया जा सकता है, क्लियर। चलिए, ये तो हमने सीड्स के टाइप बढ़े। अब अगर हमको इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट
को या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है सो वी विल सी इनिशिएटिव्स। और ध्यान रखें यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने सीड्स की अवेलेबिलिटी के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो नाउ वी विल स्टडी इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला क्या हो जाएगा कि इंडिया में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की अवेलेबिलिटी हो सके, इसके लिए स्टेट सीड फार्म प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। और इसको 1956-57 में ही क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो स्टेट सीड फार्म प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956-57 सो दैट फार्मर्स को सीड आसानी से क्या हो, अवेलेबल हो सके। फिर जो सीड्स है उनकी अवेलेबिलिटी के लिए राइट सीड एक्ट 1966 वाज ब्रॉट। और जो सीड्स एक्ट है वर्तमान समय में कई बायोलॉजिकल कई जो सीड कंपनी है वो डिमांड कर रही है कि हमें अच्छे से सीड हो, और फार्मर्स भी डिमांड कर रहे हैं कि हमको लो प्राइस पर जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स अवेलेबल हो सके। तो उसके लिए इसमें अमेंडमेंट भी किया जा रहा है, बट वो अभी क्या है, ड्राफ्ट है। तो हम दूसरा कह सकते हैं कि सीड की अवेलेबिलिटी के लिए सीड एक्ट 1966 वाज एनेक्टेड इन इंडिया। थर्ड क्या हो जाएगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 और यह इंडिया में जो हाई यील्ड वैरायटी सीड है उनको डेवलप करने के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन सीड ब्लेज कंसेप्ट। देखिए जो सीड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को हम ट्रेनिंग दे दें कि आपको इस तरीके से सीड को तैयार करना है, तो वह अच्छे खासे तरीके से, या किसी फार्मर को अगर हम ट्रेन कर दें तो फार्मर ह्यूज अमाउंट ऑफ सीड्स को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट सीड ब्लेज कॉन्सेप्ट को लेकर आई है राइट। एंड अंडर द सीड ब्लेज कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द 4-5 फार्मर्स ऑफ पर्टिकुलर विलेज। और वो या उस विलेज के जो जितने भी फार्मर्स हैं वो उसी विलेज के लिए सीड को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग सीड बैंक्स एंड सीड वॉल्स, ताकि जो फार्मर्स हैं वो इन सीड बैंक्स से या सीड वॉल्ट से आसानी से सीड को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अब मोस्ट आईएमपी राइट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्रॉप्स और उनकी वेराइटीज कौन कौन सी है राइट। तो इनको जब आप 4-5 बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वेराइटी किसकी है राइट। जैसे पूछा जाएगा कुफरी वहार इज द वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, ऑप्शन ए पोटैटो राइस पीनट राइट वीट। तो आपको पता होना चाहिए किसकी जो है वेराइटी है। तो जो क्रॉप्स हैं उनकी वेराइटीज को हम समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, वीट हो जाएगा। तो वीट की वैरायटी क्या हो जाएगी, सोनालिका हो जाएगी। तो सोनालिका इज द वैरायटी ऑफ वीट, तो सोनालिका हो जाएगा। सेलजा हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा, मुक्ता, सुजाता, सेरा, जयराज, UP 368, UP 262, ये सब किसकी वैरायटी हो जाएंगी, वीट की। अब पोटैटो, इसमें तो कुफरी वर्ड जुड़ा हुआ है तो इजी है, तो कुफरी अलंकार हो जाएगा और कुफरी बहार ये वैरायटी हो जाएंगी पोटैटो की। राइस की हो जाएंगी IR 8, IR 24, फिर जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया राइट। तो जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, पद्मा राइट, बाला सरस्वती, साकेत 3, साकेत 4, जगन्नाथ राइट, जागृति और पंकज। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कृष्ण भगवान के नाम ज़्यादा हैं, कृष्णा है, विजया है, जगन्नाथ है राइट, पद्मा है। तो ये सभी राइस की वैरायटी हो जाएंगे। फिर पीनट्स की कौन सी हो जाएंगी, ज्योति राइट, जूनागढ़ हो जाएगा, फिर चंद्रा हो जाएगा और कौशल हो जाएगा। मेज की जो वैरायटी है वो कौन सी हो जाएंगी, गंगा। तो मेज की वैरायटी गंगा, सफ़ेद सेकेंड, गंगा 3, रंजीत, हिमालय 1-2-3 राइट, जवाहर, विक्रम, अंबर, श्वेता, तरुण और नवीन। फिर शुगर केन की वेरी इजी, BO 43, BO 47, BO 49, BO 65। फिर ज्वार की हो जाएंगी CH1, CH3, CH9, CSV1, CAB3 और स्वर्ण हो जाएगा। कॉफ़ी राइट, इंपॉर्टेंट, कॉफ़ी की क्या हो जाएगी, ओल्ड चिक्स।
तो ओल्ड चिक्स इज द वैरायटी ऑफ कॉफी, फिर कुर्ग हो जाएगा, केंट हो जाएगा और S288। देन ग्रेम या चना, तो ग्रेम की हो जाएगी गौरव, अजय, अतुल, पूसा 208, पूसा 209, पंजी 114, RS11। फिर कॉटन की हो जाएगी क्या, श्याम अली लोहित, राइट, श्याम अली लोहित, अंजलि, बीकानेरी और सुजाता। फिर पी या मटर, मटर की कौन कौन सी होती है, राइट, तो रचना होती है स्वर्ण रेखा BL1, अर्केल, राइट, फिर जवाहर मटर हो जाएगा, सो दीज आर द वैरायटी ऑफ पी। फिर तुअर की क्या हो जाएगी, प्रभात हो जाएगा, शारदा हो जाएगा एंड मुक्ता। सोयाबीन की हरदीला, राइट, हरदीला, क्लार्क 63, पंजाब, अंकुर, राइट, ब्रैक एंड अलंकार एंड शिलाजीत। फिर मस्टर्ड की हो जाएगी वरुणा, शेखर, प्रकाश, क्रांति, संगम एंड क्या हो जाएगा, सफला हो जाएगी। तो वर्तमान समय में हर एक क्रॉप की कई वैरायटीज़ हैं और उन न्यू वैरायटीज़ का यूज़ करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। चलिए अब हम समझते हैं थर्ड कंपोनेंट, दैट इज इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स एट डिफरेंट इंटरवल इज नोन एज इरीगेशन, राइट। सो इरीगेशन रिफर्स टू द सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यदि अगर किसी फार्मर के पास में अच्छी फर्टाइल लैंड है और वह हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का भी यूज करता है, फिर भी उसको अपनी क्रॉप को रेगुलरली इरीगेट करने की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर इरीगेशन नहीं होगा तो उससे भी प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। अब इरीगेशन से संबंधित जो चैलेंजेस हैं हम उनको समझते हैं, राइट। तो पहला चैलेंज क्या हो जाएगा, देखिए इंडिया इज हैविंग 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज हैविंग ओनली 4% वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, विच मीन्स जो है 4% वाटर रिसोर्सेज जो डिपेंड है वो 17% वाटर, जो 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन 4% वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, और इस वजह से हमारे पास में वाटर रिसोर्सेज जो है, वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए हमें मॉडर्न इरीगेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल फेस वाटर क्राइसिस। सेकेंड, ऑलरेडी कुछ साइंटिस्ट जो हैं कह चुके हैं कि इंडिया इज वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, और अगर हम विदाउट एनी साइंटिफिक प्रोसेस और मेथड हमारे वाटर रिसोर्सेज का अनवाइजली यूज़ करेंगे तो इंडिया में बहुत जल्दी जो है वाटर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। थर्ड क्या हो जाएगा कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, मोर देन 50% ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज डिपेंड ऑन रेन वाटर, इसका मतलब इरीगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वेन एवर देर इज़ अल नीनो अफेक्ट, तो अल नीनो अफेक्ट जब भी होता है तो उससे इंडिया में लेस रेनफॉल होता है और इस वजह से ड्रॉट जैसी कंडीशन भी क्या होती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लैक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो चाइना में 1 kg राइस को प्रोड्यूस करने के लिए ओनली 350 लीटर्स जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट इंडिया में जो है 1 kg राइस को प्रोड्यूस करने में 3000 to 5000 लीटर्स जो वाटर है उसका यूज़ किया जाता है। मतलब इंडिया में जो इरीगेशन मेथड है वो आज भी क्या है, कन्वेंशनल है। देयरफॉर वी नीड टू यूज़ मॉडर्न एंड एफिशिएंट इरीगेशन मेथड्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट इज परचेसिंग वीट एंड राइस, राइट, ऑन MSP, और दोनों ही क्या है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं, तो MSP पैटर्न भी एक क्या है, प्रॉब्लम बनता जा रहा है, क्योंकि चाहे राइस हो चाहे वीट हो दोनों को बार बार इरीगेट करने की ज़रूरत होती है, और MSP की वजह से द फार्मर आर विलिंग टू प्रोड्यूस ओनली वीट एंड राइस। इस वजह से भी इंडिया में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही जो क्रॉप हैं वो वाटर इंटेंसिव होती हैं, और इसी वजह से इंडिया में फेस वाटर क्राइसिस टिल 2050। क्लियर,
चलिए अब इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके बारे में बात करते हैं. राइट, देयर वर टू मिनिस्ट्रीज अर्लियर, वाटर रिसोर्सेज रिवर एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. तो ये दो मिनिस्ट्रीज थी जो कि अपने अपने राइट ऑफिसर से और अपने अपने फंडिंग से जो है इंडिया में सेम प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करती थी और उससे कई बार जो है इनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाती थी, कम हो जाती है. इसलिए इंडिया में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, इंडिया के सभी वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली मैनेज हो सकें, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके, उसके लिए अब इन दोनों मिनिस्ट्रीज को क्लब करके एक ही मिनिस्ट्री बना दी गई और उसका नाम क्या हो जाएगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री. सो जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्म्ड इन मई 2019 ताकि वाटर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके. सेकेंड हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2015 और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसको 2015 में लॉन्च किया गया है जिससे इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं और उनको एक्सपेंड किया जाएगा और मोर इम्पोर्टेंट इरिगेशन फैसिलिटी को या इरिगेशन एरिया को इंक्रीज करने के साथ ही 4-point स्ट्रेटजी पर भी जो है वर्क किया जाएगा और वो कौन सी है कि एक्सेलरेट इरिगेशन बेनिफिट, जो इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है उनको एक्सेलरेट किया जाएगा, वाटर सेड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा और एवरी फील्ड तक जो है वाटर के लिए जो है फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएंगी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप विच मीन्स जो माइक्रो इरिगेशन मेथड्स हैं उनको क्या किया जाएगा यहाँ पर जो है यूज किया जाएगा. राइट, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है इसके तहत जो है माइक्रो इरिगेशन मेथड जिसको क्या कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन मेथड, इसको ड्रिप इरिगेशन मेथड को गवर्नमेंट जो है इस समय पे जो है फोकस कर रही है. साथ ही साथ जो स्प्रिंकलर्स हैं वो फार्मर्स को अवेलेबल कराए जा रहे हैं. इसके अलावा क्या हो जाएगा, जल जीवन मिशन जिसको अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया है, फिर अटल भूजल स्कीम राइट जिससे भूजल राइट या जो भूजल है उसको क्या किया जाएगा कंजर्व किया जाएगा, इसको लॉन्च किया गया है 2019 में. देन जल शक्ति अभियान जुलाई 2019 में, फिर नमामि गंगा योजना 2015 से लॉन्च की गई है और स्पेशल अटेंशन टू माइक्रो इरिगेशन जैसे जो स्प्रिंकलर हैं या जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है गवर्नमेंट उन पर फोकस कर रही है ताकि कम से कम वाटर में अधिक से अधिक जो है इरिगेशन हो सके. नेक्स्ट हो जाएगा फर्टिलाइजर्स. अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था राइट कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड विच हेल्प्स वेजिटेशन टू ग्रो इज नोन एज लैंड. और लैंड में सभी प्रकार के माइक्रो एंड मैक्रो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं राइट. और यदि मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए सॉइल में कुछ सब्सटेंसेस को इंक्लूड किया जाता है और उनको ही क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजर्स कहा जाता है राइट. तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच इम्प्रूव्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर नोन एज फर्टिलाइजर्स. और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर होता है. इन दोनों में क्या अंतर होता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो देखिए द नेचुरल फर्टिलाइजर और वी कैन से दैट द नेचुरल सब्सटेंसेस विच इज इंक्लूडेड टू सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इज नोन एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. तो सिंपली जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं क्लियर, तो जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहा जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल कंपोस्ट हो जाएगा, बर्मी कंपोस्ट हो जाएगा या ग्रीन क्या हो जाएगा, मैन्योर हो जाएगा. तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है, जो है नेचर में अवेलेबल होता है, वैसे ही वर्मी कंपोस्ट राइट या कंपोस्ट काउ डंक से बनाया जाता है, तो काउ डंक से जो है कंपोस्ट बनाया जाता है. तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स को ही क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहा जाता है. और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं.
अर्थात ये इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट। सो द फर्टिलाइजर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरीज यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स आर नोन एज केमिकल फर्टिलाइजर्स। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो लेबोरेटरीज में मैन मेड होते हैं और साथ ही साथ इनमें हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता है, देयरफॉर दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये एनवायरमेंट को नेगेटिवली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे यूरिया हो जाएगा विच इज नाइट्रोजन बेस्ड क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल यूरिया हो जाएगा जो कि नाइट्रोजन बेस्ड क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा। वैसे फास्फोरस और पोटेशियम बेस्ड क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब फर्टिलाइजर से रिलेटेड चैलेंजेस क्या होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप ये कहें कि सर यूजिंग फर्टिलाइजर्स वी कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को समझते हैं या उन चैलेंजेस को समझते हैं। देखिए नेचुरली सॉइल में जो फर्टिलाइजर्स का रेशियो है वो होना चाहिए 4.2:1, अर्थात नाइट्रोजन फॉस्फोरस, राइट। द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम शुड बी 4.2:1 या 4:2:1, बट फार्मर्स जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, देयर फोर ये जो रेशियो है ये कितना हो चुका है, 8:3:1, राइट। तो कुल मिलाकर जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का आइडियल रेशियो है वो 4.2:4:2:1 होता है, जो कि कितना हो चुका है, 8:3:1 हो चुका है। और इस वजह से क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सॉइल होती है वो पॉल्यूट होती है, क्योंकि सॉइल में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो बायोडिग्रेड नहीं हो पाते, इसलिए सॉइल पॉल्यूट होती है। साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, राइट, वह भी क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। सेकेंड, गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे यूरिया, तो जो सब्सिडाइज यूरिया होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में स्मगल किया जाता है, साथ ही साथ बांग्लादेश एंड नेपाल में भी क्या किया जाता है, स्मगल किया जाता है, राइट। चूंकि गवर्नमेंट ये सब्सिडी देती है फार्मर्स के लिए ताकि फार्मर्स को लो रेट पर जो है यूरिया क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, परंतु जब ये नॉन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में या बांग्लादेश में नेपाल में स्मगल किया जाता है तो उससे सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी बढ़ती है और उससे गवर्नमेंट को क्या होता है, फिस्कल लॉस होता है। और जब फिस्कल लॉस होगा तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट अदर जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो इसके लिए सॉल्यूशन के रूप में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हैज टेकन टू इनिशिएटिव, राइट। फर्स्ट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015। अब देखिए हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम फार्मर्स है दे डोंट हैव अवेयरनेस, दे डोंट हैव नॉलेज, देयरफॉर वो जो है साइंटिफिकली फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं और उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूट हो रही है एज वेल एज ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। इसको दूर करने के लिए 2005 में जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है वो लॉन्च की गई है। ये लॉन्च इसलिए की गई है ताकि ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इस स्कीम के तहत किसी भी लैंड एरिया की जो सॉइल है उसको लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाएगा और 12 पैरामीटर्स पर सॉइल हेल्थ कार्ड क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, राइट। और यह 3 साल के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। और इस सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलेगा कि विच न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन द सॉइल और विच आर अवेलेबल। इससे जिनकी कमी है उन फर्टिलाइजर्स का ही फार्मर्स के द्वारा यूज किया जाएगा, जिससे जो मिसयूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, नीम कोटेड यूरिया 2005। अब गवर्नमेंट ने जितनी भी जो फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं उनको ये डायरेक्शन दिया है कि यू हैव टू कोट द यूरिया विद नीम। उससे क्या होगा कि उससे एक तो जो नीम कोटेड यूरिया है वो नॉन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में सप्लाई नहीं होगा और ना ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में स्मगल होगा, या कुल मिलाकर जो है कि नॉन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के लिए वो अनयूजेबल हो जाएगा। सेकेंड, जो नीम कोटेड यूरिया है, राइट, उसकी जो कुल मिलाकर उसके जो डिसोल्यूशन रेट होती है वो बहुत लो होती है और डिसोल्यूशन रेट लो होगी तो जो प्लांट्स हैं या जो क्रॉप्स हैं वो आसानी से उसको ग्रास्प कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज
होगी। तो इस तरीके से सॉयल हेल्थ गाइड स्कीम के द्वारा या नीम कोटेड यूरिया के द्वारा जो है जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका मैक्सिमम और एक सही रे में या राइट पाथ पर जो है यूज़ किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वीडिसाइड हो जाएगा। देखिए जब क्रॉप्स क्या होती हैं, ग्रो होती हैं, तो क्रॉप्स ग्रो होती हैं तो इसके साथ ही कुछ अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्रॉप्स के साथ में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को यूज़ करना चाहिए उनका यूज़ इन अनवांटेड प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और इस अनवांटेड प्लांट्स को ही क्या कहते हैं, राइट, खरपतवार कहते हैं, राइट। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं ये भी प्रोडक्शन को जो है डिक्रीज करते हैं। साथ ही साथ जब जो क्रॉप्स होती है तो उस पर कई जो है इंसेक्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और अगर इस वजह से कोई भी डिसीज हो जाती है, इंसेक्ट्स जो है अटैक करते हैं तो उससे भी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इससे बचने के लिए वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। वीडिसाइड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप्स, राइट। वहीं दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट्स उसको क्या कहा जाता है, पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। और जब कभी भी खेत में अनवांटेड प्लांट्स, राइट, या पेस्ट्स का जो अटैक ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो है पेस्टिसाइड और वीडिसाइड का यूज़ किया जा सकता है। अब अगेन वही बात है कि पेस्टिसाइड और वीडिसाइड से प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट कि जब एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वीडिसाइड्स जो है वो हार्मफुल होता है। जब पेस्टिसाइड्स का या वीडिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उससे सॉइल एज वेल एज ग्राउंड वाटर क्या होता है, पोल्यूट होता है। क्यों, क्योंकि जो वीडिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उनमें हार्मफुल क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स जो है बायोडिग्रेड नहीं हो पाते, इससे सॉइल भी पॉल्यूट होती है और ग्राउंड वाटर भी क्या होता है, पॉल्यूट होता है। और जब यही केमिकल्स जो होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जब ये हमारे फूड चेन में इंटर करते हैं और जब हम इसी पॉल्यूटेड लैंड में, जो पॉल्यूटेड लैंड में ग्रो हुए जब फूड ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे कैंसर जैसी हार्मफुल डिसीजेज भी क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट, पंजाब एंड हरियाणा में पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो पंजाब एवं हरियाणा से आते हैं। साथ ही साथ ये अदर बायोडाइवर्सिटी के लिए भी क्या करते हैं, थ्रेट क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ पर पेस्टिसाइड एवं वीडिसाइड के क्या होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, राइट। अब आप कहेंगे सर दिस इज़ द चैलेंज, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। तो कुल मिलाकर यह है कि क्रॉप्स को डैमेज होने से रोकने के लिए या क्रॉप्स में से अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको निकालने के लिए या पेस्ट के अटैक से रोकने के लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, राइट, जैसे काउ यूरिन हो जाएगा या नीम लिक्विड हो जाएगा, उनका यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड्स हैं या वीडिसाइड्स हैं उनका जब नीड हो तब उनका यूज़ करना चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं जो इसके चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फार्म मैकेनाइजेशन हो जाएगा। देखिए वंस अपॉन अ टाइम जो पूरा का पूरा लैंड एरिया होता था उस पर केवल और केवल ईयर में एक बार ही क्रॉप को क्या किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था, राइट, और बाकी के समय जो फार्मर्स होते थे वो आराम करते थे, राइट, बहुत पहले की बात। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों की या पीपल की नीड भी इंक्रीज़ हो रही है, राइट, फूड की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो रही है। इस वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस तभी किया जा सकता है जब हम एक जो पर्टिकुलर लैंड है उसमें
तीन से चार जो हैं क्रॉप्स क्या कर सकें, ले सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जैसे मैंने कहा कि कोई एक लैंड एरिया है और उस लैंड एरिया में केवल और केवल फार्मर जो है वीट को ग्रो करता है, तो डेफिनेटली ही वुड हैव लेट प्रॉफिट। बट जैसे मान लिया कि रवी सीजन में वह वीट को ग्रो करता है, खरीफ सीजन में उसने राइस को ग्रो कर लिया, तो उसका जो बेनिफिट है या उसके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेट से अगर हमने मान लिया कि वह जायद सीजन में अगर मूंग को भी क्या करता है, या वाटर लेमन हो जाएगा या किसी फ्रूट्स को भी प्रोड्यूस करता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी और फार्मर की जो इनकम है वह भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब फार्मर क्या करे, एक क्रॉप को बहुत ही कम समय में क्या कर ले, प्रिपेयर कर ले। कहने का तात्पर्य यह है कि एक से दो दिन में ही वह क्या करे, खेत को तैयार कर ले, राइट, जल्दी से जल्दी उसमें जो सोइंग ऑफ द सीड्स है वो कंप्लीट हो जाए, फिर इरिगेशन भी फटाफट हो जाए, और जब हार्वेस्टिंग हो तो हार्वेस्टर से, ट्रैक्टर से, थ्रेसर्स के माध्यम से हार्वेस्टिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो, राइट। इससे क्या होगा कि जो है दो से तीन महीने में ही वो है एक क्रॉप को रेडी कर लेगा, तो बचे तीन महीने में दूसरी और बचे तीन महीने में तीसरी, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता। बट कोई भी फार्मर या कोई भी एक लैंड ऑफ, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द पीस ऑफ लैंड, इसमें तीन क्रॉप्स को केवल और केवल तभी लिया जा सकता है जब फार्मर के पास में क्या हो, एग्रीकल्चरल मशीनरी हो, जैसे सीड ड्रिल हो, राइट, कल्टीवेटर्स हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर्स हो, उन्हीं के यूज से ही जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है, अगर हम एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज करेंगे तो उससे पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसीलिए एग्रीकल्चरल जो मैकेनाइजेशन है इज द मस्ट, वर्तमान समय में जितनी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए जो है मशीनों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, फार्म मैकेनाइजेशन। तो सीधा सा कहा जाता है एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन या फार्म मैकेनाइजेशन रेफर्स टू यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, रीपर्स, थ्रेसर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स, लैंड लेबलर्स एक्सेट्रा इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हैवी मशीन्स का यूज करना ही क्या कहलाता है, फार्म मैकेनाइजेशन कहलाता है, राइट। और फार्म मैकेनाइजेशन का बेनिफिट क्या है कि फार्म जो जितनी भी मशीन्स होती हैं उनका यूज करके एक ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्लियर। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बट इसमें भी कई चैलेंजेस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया में जो मैकेनाइजेशन है वो बहुत ही कम है। जैसे अमेरिका में 95% तो इंडिया में 95% एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मशीन के द्वारा की जाती हैं, ब्राज़ील में 75, चाइना में 60%, और इंडिया में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, राइट, वो केवल और केवल 40% जो फार्मर्स हैं वो मशीन्स का यूज़ करते हैं, या 40% जो एक्टिविटीज़ हैं वो मशीन्स के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं, राइट। सेकंड थिंग क्या हो जाएगा कि इंडिया में कई मशीन्स डेवलप नहीं की जाती हैं, मशीन्स आर डेवलप्ड इन फॉरेन कंट्रीज, और उनको उसी के साथ में इंडिया में क्या किया जाता है, जो है यूज़ किया जाता है, अर्थात इंडिया के एटमोसफेयर के अनुसार रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती है। जैसे यूरोप में क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ही वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होती है, देयरफॉर वहाँ पर 4, 3 या 5 क्या होते हैं, गियर्स होते हैं ट्रैक्टर में, हार्वेस्टर में। बट इंडिया की जो क्लाइमेट है वो तो कैसी होती है, राइट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है। इस वजह से 3 से 4 गियर अगर होंगे तो उससे फ्यूल का कंजप्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। अर्थात जो एडजस्ट मैकेनाइजेशन है वह भी इंडिया में नहीं होता है, राइट। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वैसे वैसे जो लैंड होल्डिंग है, राइट, वो डिक्रीज हो रहा है, और उसे मैकेनाइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर लैंड होल्डिंग्स कम होंगी तो फार्मर की जो पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब स्मॉल एंड फार्मिनर मार्जर्स, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, दे आर अनेबल टू बाय दीज, राइट, एक्सपेंसिव मशीन्स, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, राइट, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडी,
राइट। तो इसका सॉल्यूशन है भी गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइड सब्सिडी। तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराती है ताकि जो फार्मर्स हैं, तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी अवेलेबल कराती है ताकि जो फार्मर हैं वो इन एक्सपेंसिव मशीन्स को क्या कर सके, परचेज कर सके। बट अभी भी मैकेनाइजेशन कम है क्योंकि ये जो मशीन्स हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, 7 to 8 lakh की जो है मशीन्स होती हैं और गवर्नमेंट हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 lakh की सब्सिडी देती है। तो फिर भी 6 to 5 lakh जो है दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट और कोई भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर उनको परचेज नहीं कर पाता, राइट। तो इस तरीके से अगर इन फ्यूचर में गवर्नमेंट किसी पॉलिसी या स्कीम के तहत फार्मर्स को मशीन्स अवेलेबल कराती है एट ह्यूज सब्सिडी, तो डेफिनेटली उससे फार्म मैकेनाइजेशन इंक्रीज होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में कैसे लैंड का, सीड का, इरीगेशन का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड का, बीडीसाइड का और मशीन्स का जो यूज होता है या कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पर डिपेंड करता है, इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली जो है हमने समझा है। अगले वाले लेक्चर में भी वी विल स्टडी द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, राइट। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू।